नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी टेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे TGT PGT की न्यूज़ के बारे में जो कि आज के समाचार पत्रों पर दी गई है। सुबह के ये वीडियो में न्यूज़ मिस हो गई थी इसलिए मैंने इसको अलग से वीडियो यहां पर बना रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर दिया गया है कि TGT PGT के जो पुराने जितने भी अध्याचन थे सब चयन बोर्ड ने निरस्त कर दिए। अब चयन बोर्ड दोबारा से नए सिरे से आवेदन मांगेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी अपडेट क्या देख लेते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के अमर उजाला पेपर में दिया गया है कि शिक्षक भर्ती के पुराने अध्याचन निरस्त, दोबारा मांगा जाएगा ब्यौरा। यहाँ पर दोस्तों जो भी पुराने अध्याचन थे, कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर काफ़ी सारे अध्याचन ऑलरेडी आ चुके हैं चयन बोर्ड के पास, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2016 में भर्ती आई हुई थी, उसके बाद से कोई भी भर्ती नहीं आई। 2019 चल रहा है, 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, कोई भर्ती नहीं आई। तो काफ़ी सारे पदों पर अध्याचन ऑलरेडी आ चुके थे और काफ़ी सारे पदों पर अध्याचन आने थे। तो जितने भी पुराने अध्याचन थे जो अब तक आ चुके थे वो सभी अध्याचन चयन बोर्ड निरस्त कर दिए हैं और यहाँ पर दोबारा नए सिरे से आवेदन मांगा जाएगा जो भी अध्याचन है, ठीक है। अब दोस्तों ये सही हुआ है गलत हुआ है इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा जो अभी रिजल्ट आए 2013 भर्ती के हों या 2011 भर्ती के हैं, इसमें आपने देखा है कि विज्ञापन के समय सीटें कुछ ज़्यादा थी, लेकिन इस समय जो रिजल्ट आए हैं उसमें सीटें काफ़ी सारी कम हो गई हैं। हर कैटेगरी में हर विषय में काफ़ी सारी सीटें सत्यापन के बाद कम मिली हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण है। ये क्या होता है कि विज्ञापन के समय जो DIOs होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, पूरा सीटों पर ब्यौरा भेज देते हैं, लेकिन बाद में अगर कोई टीचर ट्रांसफ़र के थ्रू कहीं से उनको मिलता है तो वो उसकी ज्वाइनिंग करा लेते हैं, वही पद बाद में वहाँ पर कम हो जाते हैं। तो इस तरीके के विवादों से बचने के लिए यहाँ पर चयन बोर्ड ने ये सभी पद निरस्त कर दिए हैं। और दोस्तों जब भर्ती में पद कम हो जाते हैं तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट चले जाते हैं, भर्ती प्रक्रिया पूरी ठप हो जाती है। इससे बचने के लिए यहाँ पर चयन बोर्ड ने जितने भी पुराने अध्याचन थे सब निरस्त कर दिए हैं। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये एक अच्छा ही है, क्योंकि नए सिरे से जो भी आवेदन होंगे वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर होंगे, मतलब उनका पूरा रिकॉर्ड होगा, पूरा वेरीफाइड होगा वो। तो उसमें क्या होगा, बाद में जो भी अध्याचन आएंगे, जो भी पदों का विवरण आएगा, ना तो DIOs कम कर सकते हैं, ना ही स्कूल वाले कम कर सकते हैं कि हमने यहाँ ये ब्यौरा नहीं भेजा था, वहाँ पे सारा रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर ये अध्याचन जो पिछले थे निरस्त किए गए तो यहाँ पर नए सिरे से 1 जुलाई से पूरा नए जो सॉफ्टवेयर है उस पर अध्याचन लेने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए जो नया सॉफ्टवेयर है उस पर DIOs स्तर पर DIOs को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक को इस समय प्रशिक्षण चल रहा है खाली पदों को लेकर। अब इसके बाद जो भी जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, विद्यालय के प्रबंधन हैं और प्रधानाचार्य हैं, ये धांधली यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अभी फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है इनकी, 1 जुलाई से जो नए सिरे से अध्याचन वो फिर से लिए जाएंगे, और ये जो नए सिरे से अध्याचन लिए जाएंगे 31 जुलाई तक फिलहाल ये लिए जाएंगे, हो सकता है आगे इनकी डेट भी बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपडेट है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, अगर इसका 31 जुलाई तक अध्याचन लिए जाएंगे उसके बाद अगर डेट बढ़ती है तो ये मान के चलिए कि आप लोग भर्ती कब आएगी। और दोस्तों अगर ये भर्ती में ज़्यादा लेट हुई तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है, जो शिक्षा सेवा आयोग है, उच्च शिक्षा आयोग को मिला करके, चयन बोर्ड को मिला करके एक नए आयोग का गठन किया जाना है, उसका पूरा प्रारूप घोषित हो चुका है। तो अगर ज़्यादा लेट भर्ती यहाँ हुई, चयन बोर्ड से नहीं आ पाई, तो नए आयोग से भर्ती आएगी। अब दोस्तों अगर नए आयोग से भर्ती आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, TGT PGT का जो परीक्षा कर, जो यहाँ पर एक कह सकते हैं जो परीक्षा प्रोग्राम होता है, जिस तरीके से भर्ती होती है, ये सब कुछ चेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो नया शिक्षा आयोग बनेगा उसमें किस हिसाब से भर्ती होगी, यहाँ पर बताया गया है कि खावर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो खावर की सेवाएं हैं, इसमें इंटर कॉलेजों में TGT PGT LTGD की भर्ती होती है, सब खावर की सेवाओं के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों नए आयोग से भर्तियाँ होंगी इसमें संबंधित विषय भी आएगा प्लस सामान्य ज्ञान भी आएगा। अभी जो चयन बोर्ड से भर्ती होती है इसमें सामान्य ज्ञान नहीं पूछा जाता है, सिर्फ संबंधित विषय पूछा जाता है, लेकिन नए आयोग से भर्ती आएगी तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान भी आएगा। लिखित परीक्षा होगी,
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं साक्षात्कार भी होगा। आप लोग जानते हैं मोदी सरकार के द्वारा TGT स्तर से इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अगर ये भर्तियाँ नए आयोग से आती हैं तो TGT फिर से लागू कर दिया, TGT में यानी इंटरव्यू फिर से लागू कर दिया जाएगा। और आप लोग जानते हैं इंटरव्यू की ऐसी प्रणाली है जिसमें जमकर धांधली होती है, इसमें लगातार आरोप लगते रहते हैं और आप लोग भी आरोप लगाते हैं, जो शिक्षा अधिकारी वो भी अपना पूरा जुगाड़ लगाते हैं कि किसी न किसी स्तर से उनके बच्चों का, उनका किसी रिलेशन में जो भी अभ्यर्थी है उनका सिलेक्शन हो जाए यहाँ पर। तो नए आयोग से भर्ती आने पर लिखित परीक्षा देनी होगी, लिखित परीक्षा टफ हो जाएगी क्योंकि विषय भी आएगा, सामान्य ज्ञान भी आएगा, सामान्य ज्ञान का कोई स्कोप ही नहीं है, कहाँ से पूछ ले। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा टफ हो जाएगी, दूसरी बात यहाँ पर इंटरव्यू भी जुड़ जाएगा। अब भी अगर चयन बोर्ड से भर्ती आती है तो इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन नए आयोग से भर्ती आती है तो इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेरिट बनेगी, तो दोस्तों काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंजमेंट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भर्ती अब कब आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, हमने बता दिया आपको कि यहाँ पर पुराने अध्याचन निरस्त कर दिए गए, नए अध्याचन दोबारा से मांगे जाएंगे, तो काफ़ी लंबा टाइम इस पर लगेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरी अपडेट थी आज की। दोस्तों आपके मन में क्या क्वेश्चन उठ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि चयन आयोग से भर्ती आने पर सही रहेगा कि नए जो आयोग बना उससे भर्ती है कौन सा सही रहेगा, किसमें अभ्यर्थियों का फ़ायदा होगा और किसमें यहाँ पर धांधली होने के ज़्यादा चांसेस, कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल निशान जरूर दबा लें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।